I love you, Bhuji. Riya, मुझे पता है that you love me. I love you very much. मुझे वो भी पता है, लेकिन इतनी खुशी अचानक से? अचानक कहाँ बूजी, आप सब प्लान करके तो रखती है, मेरी खुशियाँ, मेरी सेफ्टी, एवरीथिंग. जब कुछ गलत भी हो रहा होता है तो अचानक सब सही हो जाता है. सो आई एम जस्ट सो हैप्पी बूजी, ऑल बिकॉज ऑफ यू. बूजी, हर बार की तरह मुझे इस बार भी लगा कि सब खत्म हो जाएगा, रणबीर मुझसे दूर चला जाएगा. इस बार मुझे ऑनेस्टली लगा कि मैं रणबीर को हमेशा के लिए खो दूंगी. वो निक मुझे एक्सपोज कर देगा और कुछ खत्म हुआ तो नहीं ना रिया? हाँ, अभी इतना खुश थे, अचानक से इतनी इमोशनल हो गई तुम. सब कुछ ठीक जा रहा है, एवरीथिंग इज ओके. एक साथ इतनी सारी खुशियाँ देखी नीना, इसलिए इमोशनल हो गई. मुझे तो याद भी नहीं है कि ये अपनी लाइफ में मैं लास्ट कब इतना खुश हुई थी. मैंने तो सोच ही लिया था कि भगवान ने मेरे नाम की हर खुशी किसी और के नाम कर दी. आई वॉज फेलिंग बूजी, आई वॉज फेलिंग एवरी सिंगल टाइम. हो रिया, ऐसी कोई बात नहीं है. हाँ बूजी, मैंने बहुत फेलियर देखा है, शादी के मंडप से लेकर मॉम डैड की एनिवर्सरी तक. आई वॉज जस्ट फेलिंग. कोई भी प्लान बनाया, चाहे वो होली वाले टाइम पे राची का चेहरा जलाने का प्लान, या फिर उसके बाद उसको कैरेक्टरलेस प्रूव करने का प्लान, यहाँ तक कि उसको जब मारने का प्लान भी बनाया तो भी वो बच गई. एवरीथिंग वॉज जस्ट अ फेलियर, अ कंप्लीट फेलियर. बट पूजी, नाउ आई फील लाइक आई एम विनिंग. फाइनली वी आर विनिंग. रणबीर को अपने रूम में देख के आई कांट टेल यू, मैं खुशी से मैं पागल हो रही हूँ. सारी गलती मेरी है, भरोसा किया मैंने, भरोसा करना ही नहीं चाहिए था. पहले बहुत सोचा था मैंने, दिमाग से सोचा था कि अपने दिमाग की सुनूंगी, पर सुनी अपने दिल की. वही गलती हो गई मुझसे, इस दिल की ना सुननी नहीं चाहिए थी. ये दिल होता ही धोखेबाज है, बहुत बुरा होता है. पहले बड़े बड़े सपने दिखाता है, फिर असलियत सामने लेकर आता है, फिर दिल टूटता है, बिखर जाता है. ये गलती हो गई, नहीं सुनूंगी अभी दोबारा इस दिल की. बड़ी चली थी मैं अपने पति के कमरे में रहने, असली जगह दिखा दी उसने मुझे, अपनी औकात दिखा दी. पर यू नो शाना, कहते हैं ना, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है. पहले आंखें बंद करके मैंने भरोसा किया था, पर आंखें खुल गई. आंखें खुली तो एक बात अच्छी हुई कि सच को देखा मैंने. मेरे सामने आईना था और उस आईने में रणबीर का चेहरा था, धोखे का चेहरा था. वो धोखा दिया है उसने मुझे, प्यार नहीं किया है, फरेब किया है उसने. हर कदम पे धोखा दिया है मुझे, गुमराह किया. बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, तुम्हारे लिए ये करूंगा वो करूंगा, तुम मेरा सब कुछ हो. अब बातों से काम नहीं होगा, क्योंकि अब भरोसा ही नहीं होगा. अगर उसे मेरा भरोसा चाहिए ना, तो वो भरोसा जीतना होगा, कमाना होगा. बहुत बोलता था ना कि मैं अपने आप को इनोसेंट साबित करके रहूंगा, रिया और मेरे बीच में कुछ नहीं हुआ था क्योंकि मैं ड्रग था, जाकर पूछो उसे. ऐसे करेगा अपने आप को इनोसेंट प्रूव रिया के साथ एक कमरे में रह के उस एक रात को साबित करने के लिए, और कितनी रातें गुजारेगा उसके साथ. अच्छी, तू चुप हो जा. देख, तू जितना बोलेगी ना तुझे उतना दिल दुखेगा. हाँ तो दुखने देना. जिसे इस दिल में रखा था वो खुद से चला गया है. कुछ नहीं है इस दिल में, जो भी है टूट कर बाहर आ रहा है. इसे टूटने दे, बिखरने दे. दर्द हो रहा है ना, उसे उसे छुटकारा चाहिए. मुझे बस इस दर्द से छुटकारा चाहिए. अच्छा ठीक है, तू ना एक काम कर, थोड़ी देर लेट जा. तू लेटेगी ना तुझे अच्छा लगेगा, और तेरा ना जो ये दर्द है ये भी चला जाएगा. बूजी, बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि प्राची को किसी का सपोर्ट नहीं मिला. उसे अकेला देख के, हारता हुआ देख के, रूम से बाहर जाते हुए देख के, I can't tell you, बुजी, मेरे दिल को कितना सुकून मिला, कितना चैन मिला. And you know what the best bit was? उसके पीछे कोई नहीं गया, not even रणबीर. वरना अक्सर रणबीर प्राची के पीछे जाता है, you know, उसे मनाने, but not इस बार. इस बार वो खड़ा रहा, he was standing there. और इसलिए नहीं कि मॉम ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, क्योंकि अगर वो चाहता तो हाथ छुड़ा सकता था, राइट? पर ही वो स्टैंडिंग देयर, ही वो स्टैंडिंग देयर फॉर मी. मेरे लिए खड़ा था वो वहां. एंड आई एम श्योर उसको फील भी हुआ होगा कि जब मेरे पर अटैक हुआ था तो मुझे
कुछ भी हो सकता था, मैं मर सकती थी। सो बेसिकली बूजी, ही हैड द फियर ऑफ लूजिंग मी। जो डर मेरे अंदर था ना, वो डर अब उसे है कि वो मुझे खो ना दे। एक बात बोलू मैं तुम्हें? बोलो। Damn it. रिया, ये फोन कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, कल सुबह बात करती हूँ मैं तुमसे आराम से। आई वॉन्ट टू टेल यू कि मैं क्या सोच रही हूँ और आगे की प्लानिंग क्या है। ओके, पर आराम से बात करते हैं। ओके, आई लव यू। आई लव यू टू। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो, रिया मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे एक रूम में कंफर्टेबल नहीं हूं। लेकिन रणबीर, रिया तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है, अगर तुम यहीं सोओगी तो मैं अंदर जाके प्राची के रूम में सो जाऊंगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर तुम्हें इसी कमरे में रहना है तुम रहो, लेकिन तुम उस काउच पे सोओगी वहां पे। I'm really sorry, मैं खुद चला जाता लेकिन मेरे हाथ पे बहुत ज्यादा चोट लगी है, तो इसलिए मैं यहाँ सो सकता हूँ ना मैं स्टडी रूम में सो सकता हूँ, वरना मैं खुद सो जाता वहाँ। हाँ, पर मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस बोलो हाँ या ना। तुम यहाँ सोगी या तुम वहां सोगी? प्लीज टेल मी फास्ट। ठीक है, मैं काउच पे सो जाऊंगी। What the hell? क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? हाँ, और ऐसे क्यों खड़ी? रो क्यों रही हो? कुछ देर पहले तो खुश थी तुम। पूछी, मैं खुश थी, पर लगता है खुशी के आंसू कुछ ज्यादा ही बह गए और उन आंसुओं ने मेरी आंखें धुंधली कर दी। रिया, क्योंकि मैं जो देख रही थी ना पूछी, वो तो वहां था ही नहीं, वो अब मैं नहीं देख सकती। क्या बोल रही हो तुम? जो तुम देख रही थी वो वहाँ नहीं था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, I'm sorry. रणबीर को उस रूम में शिफ्ट किया because of the family. सबको लगा उसे ठीक होना है तो मुझे उसके साथ रहना चाहिए। प्राची ने भी पूरी कोशिश की मुझे वहाँ से निकालने की, पर फैमिली ने ऐसा होने नहीं दिया। हाँ, हम सब थे वहाँ रिया जब ये सब हुआ। तुम रणबीर के साथ रूम में रही, प्राची ऑब्जेक्टेड, पर फैमिली ने तुम्हें सपोर्ट किया। अब तुम रणबीर के साथ रूम में रह रही हो। पर रणबीर मेरे साथ नहीं रहना चाहता बूजी। यू नो व्हाट ही सेड? ही सेड ही इज नॉट कंफर्टेबल विद मी इन द सेम रूम। यू नो व्हाट ही सेड? ही सेड ही विल गिव मी टू ऑप्शन। ऑप्शन नंबर वन, जहां वो प्राची के साथ उसके रूम में जाके सो जाएगा, और ऑप्शन नंबर टू कि मैं सोफे पर सो जाऊं, क्योंकि उसका जख्म पूरी तरह से अभी ठीक नहीं हुआ है। जी, वो उस रूम में एक पेशेंट बन के रह रहा है, नॉट लाइक माई हस्बैंड। उसको बस आराम चाहिए, मेरा प्यार नहीं पूछी। वो उस रूम में जरूर रह रहा है पर मेरे साथ नहीं। इतना कुछ किया मैंने पूछी, लेकिन रिजल्ट वही, जीरो जीरो। मुझे समझ में नहीं आ रहा अचानक क्या हुआ। उस प्राची ने अपना काला जादू कर दिया या रणबीर ने अपना माइंड चेंज कर लिया, बट द पॉइंट इज कि प्राची हर बार हमारे रिश्ते के बीच में आ जाती है। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो हमारे खुशियों की दुश्मन बन जाती है। उसको मार डालो। Yes, that's what she deserves. She deserves to be killed. और बूजी, I'm telling you, अगर आपने उसे नहीं मारा ना, मैं अभी इसी वक्त जाके उसका गला दबा दूंगी। या ऐसा मत बोलो। God, ऐसा सोचो भी मत।
अभी तो निक की केस से किसी तरह से बच के निकले हैं। जब पता है कि किस्मत साथ ही नहीं दे रही तो लाइफ का चूहा क्यों खेल रही? तो क्या करूं? हाँ, व्हाट शुड आई डू पूजी, टेल मी। मैंने अपनी धुंधली आंखों से ही जो देखा था ना, मुझे बस वही चाहिए। आई वॉन्ट टू सी मी एंड रणवीर एज अ कपल, एक ही रूम में हैप्पीली मैरिड, यही देखना है मुझे। अब मुझे और सपने नहीं देखने, अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखना है। Now I just want Ranbir to proudly say that Rhea is my wife. If I tell you, let's do it. जो फैमिली ने सोचा अगर वो तुम्हारे साथ दोबारा हो जाए तो, और अभी जो तुमने थोड़ी देर पहले कहा, अगर वो हमेशा के लिए हो जाए तो। आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फैमिली को लगा कि राची ने तुम पे अटैक किया, तो फैमिली की पूरी सिंपैथी, पूरा कंसर्न तुम्हें मिला, राइट? नहीं। अब राची को भी लगा कि वेयर हाउस में रणबीर का कंसर्न, प्यार, जो कुछ भी था वो सिर्फ तुम्हारे लिए था, उसने तुम्हें बचाया। हाँ, सो लेट्स डू इट अगेन, तुम पर फिर से अटैक करवाते हैं। अटैक प्लान बाय प्राची, क्योंकि वो तुम्हें चोट बचाना चाहती है, तुम्हें हर्ट करना चाहती है। फिर घर पर पुलिस आएगी, उसे अरेस्ट करके ले जाएगी, और पूरी फैमिली की सिंपैथी, कंसर्न तुम्हें मिलेगी। रणबीर को भी तुम्हारी केयर करनी होगी, और तुम्हारी केयर करते करते वो तुम्हारी क्लोज आ जाएगा, और प्राची से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। वाओ, दैट वाज ग्रेट। मैं और रणबीर उसके बाद एक रूम में, उसके रूम में साथ में रहेंगे। दैट सेम रूम जो सुहागरात के लिए मेरे लिए डेकोरेट किया गया था और उस प्राची ने बर्बाद कर दिया था। अब प्राची हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी, एंड आई प्रॉमिस यू, अगर ये प्लान सक्सेसफुल हुआ ना, तो तुम्हारा रूम मैं खुद अपने हाथों से सजाऊंगी, तुम्हारे दूसरे सुहागरात के लिए। पर बूजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना होगा, किसे कॉल करना होगा? हाँ, किसी को बुलाना नहीं है, जो कुछ भी करेंगे हम दोनों साथ मिलकर करेंगे, बस राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करना होगा। बस हमें किसी तरह से फैमिली को ये यकीन दिलाना होगा कि वो अटैक प्राची ने तुम पर करवाया, क्योंकि उसे देखा नहीं गया कि रणबीर और रिया एक साथ रह रहे हैं, इसीलिए उसने रिया पे अटैक करवाया। अटैक प्लान बाय अस अगेंस्ट प्राची। अब इस घर में होगा एक फेक एक्सीडेंट। ये कौन है? That's our new house help. प्रीति पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गई, कभी फोन भी नहीं करके बताया कि she's not coming या लीव पे है, so I don't know what happened to her. मम्मी जी कहाँ हैं? वो तो आज सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ गई, तो इसीलिए उन्होंने रूम में ही ब्रेकफास्ट कर लिया, और शाहना को भी किसी काम से जाना था इसीलिए उसने भी ब्रेकफास्ट कर लिया। How do I care, विक्रम? मुझे क्या करना है, शाहना कहाँ है, कहाँ जा रही है, किससे मिलती है? तुम मुझ पे अपसेट क्यों हो रही हो यार? अरे मतलब बात तो आप ही ने शुरू की ना। एंड एनीवेज विक्रम, जस्ट लेट मी टेल यू वन थिंग, सुबह सुबह अगर मैं आपके सामने कोई अनवांटेड सी चीज रख दूं तो मूड खराब होगा ना आपका? वैसे ही सुबह सुबह अगर कोई अनवांटेड इंसान के बारे में आप बात करेंगे ना मुझसे, तो मेरा मूड खराब होगा। सो प्लीज डोंट मेंशन दिस शाहना गर्ल अगेन। ओके, सॉरी, माय बैड। रिया के बिना बचपन से बहुत बुरी आदत है। कौन सी आदत? यही, खिड़की से चिपक के खड़ी हो जाती है, फिर वहां से ही नीचे देखेगी, ये नहीं कि सीधा नीचे आ जाए। गुड मॉर्निंग मॉम, ब्रेकफास्ट में क्या बना है? तो बैठो, मैं सर्व करती हूँ, सिट। अरे नहीं मॉम, मैं अंदर रूम में ही खाऊंगी ब्रेकफास्ट रणबीर के साथ। अब रणबीर अकेले ब्रेकफास्ट खाएगा तो बोर हो जाएगा,
आई थिंक मुझे हर वक्त रणबीर के साथ होना चाहिए। तो आप खाना दे दीजिए, मैं अंदर ले जाती हूँ। लेट्स डू वन थिंग, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। मैं भी रणबीर के साथ नाश्ता कर लूंगी। आई थिंक ही लाइक दैट। Hey, that's a good idea. I think हम सब रणबीर को join करते हैं breakfast के लिए। Yeah, that's a great idea. उसे अच्छा लगेगा। चलो। प्राची, तुम नहीं आ रही? नहीं, मैं यही breakfast कर लूंगी। अकेले बैठ के? नहीं, मैं ठीक हूँ। आप जाइए ना, आप जाएंगे तो रणबीर को अच्छा लगेगा। हाँ, उसे तो अच्छा लगेगा ही, तभी तो जा रहे हैं ताकि वो ठीक से breakfast करे। ठीक है, you eat well. मैं अकेली नहीं हूं, मैं और मेरा बच्चा, हम दोनों साथ, और हम दोनों साथ हैं तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, है ना? गुड मॉर्निंग। ओ हाय, आप लोग यहाँ क्यों? ब्रेकफास्ट यहाँ पे क्यों? अरे मैं नीचे आने वाला था, साथ में ब्रेकफास्ट करते ना आप। भाई, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है तो आराम करने के लिए सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ने की क्या जरूरत है? और हमारा मन कर रहा था कि हम तेरे साथ आकर तेरे रूम में ब्रेकफास्ट करें। So sweet. ये आइडिया रिया का था। एक्चुअली रिया ने कहा कि वो तुम्हारे साथ नाश्ता करने जा रही है, तो हमने सोचा कि हम भी उसे ज्वाइन कर लेते हैं। That's really sweet of you guys, but आप लोगों को क्या जरूरत थी आने के लिए? आप लोग मेरी वजह से ऐसे uncomfortable। Don't worry, we are absolutely fine. अब तू बता, तू fine है या नहीं? कंधा कैसा है तेरा? कल से थोड़ा सा बेहतर है। Good. और ये फाइल यहाँ पे क्या कर रही है? ये तो स्टडी रूम में थी ना? विक्रम, मैं पढ़ने में हेल्प कर देती। नहीं नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ ना। अरे डैड, इट्स माइन, मैं ही लेके आया था। वो तुनेजा की फाइल है, मुझे लगा आई विल वर्क ऑन इट अ लिटिल। यू विल वर्क ऑन इट? मतलब क्या, तू ऐसी हालत में वर्क फ्रॉम होम करेगा? अरे वैसे भी इतना खाली हूँ, सोच रहा हूँ कुछ यूज ही कर लूँ अपना टाइम। तो खालीपन दूर करने के लिए तूने ऐसा प्रोजेक्ट चुना जिसका डेडलाइन, और यही डेडलाइन मीट करने के लिए अब तुझे स्ट्रेस होगा। रणबीर, तुझे डॉक्टर ने क्लियरली कहा है यू नीड टू रेस्ट माय बॉय। हे पापा, आई नो बट मैं इतना रेस्ट कर तो रहा हूँ, आप जस्ट रिलैक्स। देखो टाइम क्या हो रहा है, 9 बज गए, 9 बजे हम लोगों को ब्रेकफास्ट करना होता है। कम, फाइल में छोड़ो। चलो चलो, मैं लेता हूँ। और हाँ, मुझे ब्रेकफास्ट के बाद मेडिसिन भी खानी है, तो लेट्स हैव इट ऑन टाइम। कैन यू बिलीव इट, रणबीर खुद हमें कह रहा है कि उसे हमें ब्रेकफास्ट देना चाहिए, उसे टाइम पर मेडिसिन देनी चाहिए। What kind of family is this? रणबीर, ये गलत बात है। अब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हम सब पेशेंट्स हैं और तू हमारा ख्याल रख रहा है। अरे ऐसे मत बोलो। Come on now, eat your breakfast. Thank you. आराम से बैठ के। रणबीर, रुको, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके रिया, मैं खा लूंगा। क्या, नहीं नहीं, अब वो खिला रही है, तुम मना क्यों कर रहे हो? कम ऑन, लेट हर फीड यू। रणबीर, अभी तुम बच्चे नहीं रहे जो माँ के हाथ से खाओगे। शादी हो गई है तुम्हारी, तो बीवी खिलाएगी तुम्हें। और मेरे हाथों में जहर नहीं है, खिला देती हूँ। अरे प्राची, आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। प्राची, बड़ों की बात टालते नहीं, आके ब्रेकफास्ट करो हमारे साथ। वैसे भी मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि तुम वहां अकेले बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी। नाउ दैट यू आर हियर, जस्ट जॉइन अस ना। रणबीर, बहुत कम खाया तुमने, लो।
बहुत खा लिया। मैं ना जरा स्टडी रूम में जा रहा हूँ, एक्चुअली मुझे कुछ काम याद आ गया। अरे रणबीर, यू जस्ट फिनिश्ड योर ब्रेकफास्ट, तो थोड़ा सा आराम कर लो ना। इट्स ओके, डोंट वरी, मैं कोई वर्कलोड नहीं लूंगा, रिलैक्स। अरे रणबीर, आपको रोकना चाहिए था ना इसे। वो क्या है ना, तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम पे गया, किसी की बात नहीं सुनता। हेलो, प्राची, तुम उसके पीछे पीछे तो नहीं जा रही? जाना भी मत।